सुपर लीग 2022 जो कि PSL का सातवां एडिशन होगा वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए प्लेयर ड्राफ्ट का इनेकाद 12 दिसंबर को किया जाएगा। उस ड्राफ्ट के लिए फॉरेन प्लेयर्स की प्लैटिनम कैटेगरी का ऐलान कर दिया गया है। प्लैटिनम कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की। 4 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट आर्म विस स्पिनर तब्रेज शम्सी, उसके बाद शामिल हैं लोअर ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन डेविड मिलर, फिर हिस्सा बनाया गया है लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन रिली रूसफ को, और सबसे आखिर में शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर मर्चेंट डिलांगे। इसके बाद इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है। सबसे पहले शामिल हैं राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन जेसन रॉय, उसके बाद शामिल किया गया है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स को, फिर शामिल हैं राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन जेम्स विंस, फिर हिस्सा बनाया गया है राइट हैंडेड बैट्समैन लियाम लिविंगस्टोन को, और सबसे आखिर में शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर डेविड विले। इसी तरह दो श्रीलंकन प्लेयर्स को भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले बॉलिंग ऑलराउंडर तिसारा परेरा, उनके साथ शामिल किया गया है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर इशुरू उदाना को। इसके बाद अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से भी एक एक प्लेयर को प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से लेग स्पिनर राशिद खान को, न्यूजीलैंड की जानिब से लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन कोलिन मुनरो को, और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से स्टार लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन क्रिस गेल को प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है।